subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. कश्मीर मसले पर दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा चुका पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखला गया है। जब पाक की कहीं नाल नहीं गली तो उसने भारत को ही युद्ध की धमकी दे डाली। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत से सीधी जंग की बात कहते हुए क्या क्या कहा है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि मैंने कई बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरी शांति और बातचीत की सारी कोशिशों को उन्होंने तुष्टिकरण के तौर पर लिया है। अब तक किए गए सारे प्रयास बेकार साबित हुए हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी को फासीवादी और हिंदूवादी करार देते हुए आरोप लगाया कि वह कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी का सफाया कर उसे हिंदू बहुल इलाके में तब्दील कर देना चाहते हैं। भारत कश्मीर में फर्जी ऑपरेशन भी चला सकता है जिससे पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उसे आधार मिल सके। यही स्थिति रही तो पाकिस्तान भी जवाब देने के लिए मजबूर होगा। जब दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने होंगे तो कुछ भी हो सकता है। पाक पीएम ने आगे कहा कि मेरी चिंता यह है कि कश्मीर के हालात से तनाव बढ़ सकता है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए दुनिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किन हालातों का सामना कर रहे हैं। बहरहाल तो इमरान खान का साफ लफ्जों में कहना है कि अब भारत से बात नहीं जंग होगी। लेकिन नादान पाकिस्तान को भला ये कौन समझाएगा कि अगर जंग हुई तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद उसी को होगा। काश पाकिस्तान को ये बात समझ आ जाए। खबर अपडेट की रिपोर्ट।